खांसी बहुत ही परेशान कर रहा है, बहुत तेज हो गया है खांसी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोनिका जी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पर देखिए, मेरे बच्चे अभी उठ रहे हैं दोनों के दोनों। जैसे ही मैं मैदानी खोली वैसे ही दोनों उठ कर बैठ गए और चाय की डिमांड कर रहे हैं। चाय, एक छोटा वाला बोल रहा है चाय चाहिए उठते उठते ही। दोनों को चाय का आदत पड़ गया है, सुबह सुबह चाय पीने का। उठते हैं और चाय ढूंढने लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबको उठा दिया है और यहाँ पर मैं अपना बिछावना ठीक कर रही हूँ सबसे पहले, और उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। और बाकी लोग उठ गए, ये दोनों सोए थे तो यहाँ पर ये भी उठ गए। तो मैं यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बिछावना। सुबह सुबह लगा देने से अच्छा होता है, पूरा घर फ्रेश लगता है घर। और यहाँ पर मेरा बड़ा वाला बेटा देखिए यहाँ पर मेरा मदद कर रहा है। जो मैं मांग रही हूँ सारा मैंने नीचे गिरा दिया था, तो सब उठा उठा कर एक एक करके दे रहा है मुझे और बोलता है रुको मम्मी तुम्हारा मदद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आज आप लोग को कुछ अलग लग रहा होगा क्योंकि मेरा पता नहीं कैसे खांसी और सर्दी हो गया है, तो इसलिए आवाज़ मेरा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए मैं फटाफट से अपना इथी कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे साफ साफ कभी कभी बोलने भी नहीं आता है, लटपटा जाती हूँ एकदम बोलने में। तो यहाँ पर देखिए मैं कर रही हूँ हमारा सुबह सुबह ठीक सारा काम, अभी करना बाकी ही है। अभी तो स्कूल हो गया है 9 बजे, इसलिए थोड़ा आराम मिल रहा है। थोड़ा लेट से उठने भी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं बिस्तर ठीक करके उसके बाद आ गई थी यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पर मेरा छोटा सा घर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है झाड़ू लगाने में, एक ही तो है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अभी झाड़ू, और उसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं झाड़ू लगा के जल्दी जल्दी से। और उसके बाद यहाँ पर आ गई थी गैस साफ़ करने के लिए, और गैस को मैं पोछा लगाऊंगी और उसके बाद अभी चाय बनाऊंगी। चाय के लिए हल्ला कर रहे हैं, मुझको परेशान कर रहे हैं। उसके बाद मैं बर्तन धोने के लिए जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अभी जल्दी जल्दी से साफ कर लेती हूँ। और क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, कुछ तो समझ में ही नहीं आता है, फिर भी ब्लॉग बनाती हूँ, क्या करूँ फ्रेंड्स, मजबूरी है। तो यहाँ पर देखिए मैं अपना काम कर ली, गैस साफा कर ली। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं इन लोगों को चाय बना दी हूँ, चाय दे दूँगी तब इस ये हमको छोड़ेंगे, वरना नहीं छोड़ेंगे। पहले इस सबको दे देती हूँ और उसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं बर्तन धोने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर धोती हूँ यही पर बर्तन, क्योंकि हमारे रूम के अंदर नहीं है ये सब साधन, तो यहाँ पर आना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से कर लेती हूँ फटाफट से, उसके बाद चलते हैं और भी बाकी का काम है। और यहाँ पर मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैं रियल नहीं डालती हूँ, क्योंकि बहुत ही शोर आता है इधर से हमारे रियल वॉइस में, इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आई थी बर्तन औरतन सब सफाई करके, तो यहाँ पर उसके बाद मैं आ गई थी चाय पीने के लिए। मैं ब्रश व्रश कर ली हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं पी लेती हूँ चाय, और उसके बाद चलते हैं इन दोनों को लेकर, दोनों शैतानों को लेकर चलते हैं आंगनवाड़ी। इसको छोड़ के आएंगे तब अपने बेटी को लेकर जाएंगे स्कूल, अभी उसके लिए नाश्ता भी बनाएंगे। तो यहाँ पर आ चुके हैं दोनों, जा रहे हैं अपने, यहाँ पर आ गई हूँ मैं घर दोनों को छोड़कर। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा चावल बचा हुआ था, तो बोल रही थी मेरी बेटी की चावल ही लेकर जाएंगे फ्राई चावल, तो मैं यहाँ पर भून दे रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर इसको तैयारी कर रही हूँ और नहवा दी हूँ। आज हल्का हल्का ठंड था तो 2-3 दिन हो गया था, तो इसीलिए नहवाना पड़ा। तो यहाँ पर मैं इसको पहना रही हूँ जूता, और यहाँ पर ड्रेस पहन ली है, और इसको मैं बाल ठीक कर देती हूँ। पूरा उलझ गया है, ठंडा में बाल ज़्यादा ही उलझ जाता है पता नहीं क्यों, और झाड़ने का भी मन नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ठीक कर दी हूँ इसका बाल झाड़ के, और उसके बाद मैं इसमें क्लिप लगाऊंगी। ऐसे तो ये 2 चोटी बांध कर जाती है रोज़, लेकिन आज बोल रही है कि छोड़ दो, आज ऐसे ही जाएंगे भींगा हुआ है, नहीं तो परेशान करके रख देती है कि मुझे
दो चोटी ही करके जाना है तो जाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसका टिफ़िन भर देती हूँ और उसको उधर नाश्ता करने के लिए दे दी हूँ। वो नाश्ता करिए और टिफ़िन मैं यहाँ तक तैयार कर रही हूँ और पानी डाल रही हूँ बोतल में। और उसके बाद आगे मैं उसको स्कूल छोड़ के तो यहाँ पर मैं अभी खाना बनाने के लिए लग गई हूँ। तो खाना मैं आज बना रही हूँ क्या बोलते हैं चना का दाल पीस कर फुला कर उसको चना का दाल कढ़ी चावल और सब्जी सेम आलू का सब्जी मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऐसे मैं बनाती हूँ बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं देखिए बना रही हूँ अच्छे से इसको पीस लिया है और इसमें मिक्स की हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर और हल्का सा नमक और हल्का सा हल्दी इसमें डालकर ऐसे मिक्स करके तवा पर बना के इसके पकौड़े जैसा और इसको हम डालेंगे कढ़ी में। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे यहाँ पर सारे को डाल रही हूँ और यहाँ पर इसको पलट देती हूँ अच्छे से और उसके बाद इसको हम अच्छे से पलट के और थोड़ा सा इसको पका के दोनों तरफ से अच्छे से पका के इसको उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा पक चुका है अच्छा से और इसको मैं निकाल लेती हूँ सारे को थाली में। और उसके बाद चलिए अब कढ़ी के लिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बैठा लिया है तसली और इसमें मैं डाल लेती हूँ तेल हमारा गर्म हो चुका है तसली और इसमें मैं लगा देती हूँ तड़का लाल हरी मिर्च और जीरा का और उसके बाद इसको 2 मिनट तक तड़कने देंगे। तो यहाँ पर हमारा लाल हो चुका है और इसमें मैं डाल देती हूँ नमक और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी इसमें और डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको पकाएंगे अच्छे से चला चला के नहीं तो ये फट जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं बना रही हूँ अभी खाना सुबह सुबह के। उसके बाद अभी थोड़ा सा बाकी है काम तो खाना बनाने के बाद हमारा अभी थोड़ा सा कपड़ा भी धोना बाकी है और अभी बज गया है 10 लगभग तो मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा भी बन चुका है कढ़ी और यहाँ पर अच्छे से उबाल चुका है और ये इसमें देख सकते हैं खोल चुका है अब बन चुका है। तो इसमें मैं डाल लेती हूँ अपना तला हुआ पकौड़ा चना दाल का इसमें डालकर उसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से इसमें और चला करके इसको अच्छे से और उसके बाद इसको गैस को बंद कर देंगे। ज़्यादा देर तक हमको इसको पकाना नहीं है क्योंकि सब तो पका ही है और यहाँ पर मैं गैस को बंद कर दी हूँ। और यहाँ पर चलिए देखते हैं मैंने बनाया है आज सेम की सब्जी। तो हमारा खाना बनकर बिल्कुल ही रेडी हो चुका है कढ़ी चावल और सेम आलू की सब्जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बचा कर रखी थी मुझे खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये वाला चना दाल का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं खाने के लिए बैठी हूँ और मिलते हैं बाद में आप लोगों से शाम को। अभी तो खाना खाने जा रहे हैं कपड़ा धोने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी, आप सभी का एक बार और स्वागत है। तो फ्रेंड्स अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और मेरा तबीयत अचानक ख़राब हो गया है। कुछ ख़राब ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन खांसी बहुत ही परेशान कर रहा है, बहुत तेज़ हो गया है खांसी और इसी के वजह से लगता है थकान जैसा पूरा। तो अभी 9:30 बज गया तो खाना वाना बना दिए हैं सभी लोग अभी खा लिए हैं बच्चे उच्चे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और आप सोचेंगे क्यों मैं उठ गई, क्योंकि मेरे अभी आदमी आया है बाहर जा रहे हैं गेट खोलने के लिए, 9:30 बज रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।